जल्दी तुर्कस्तान में भूकंप हो गया। अरे उनको मानवता के प्रति इतनी संवेदनशीलता है कि दो दिन में उन्होंने अपने शिल्प ये जो उनके जो विक्टिम हो गए उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है। अरे मेरे ख्याल से जिसके जो आदमी को संवेदनशील होता है, मानवता का प्रति जिसको आस्था होती है, चाहे वो किसका धर्म का हो, ऐसे हमारे सुदर्शन पटनायक है। मेरा भाग्य है कि मैं पुरी में आया उनका ये शिल्प देख के। मुझे सभी लोगों को विनंती है कि ये जो सामाजिक कार्य है, मानवता का कार्य है, उसके लिए उनका ये जरूर आप देखने का आइए। भूकंप हुआ वो बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा मुझे आज तक हमने इतना बड़ा भूकंप कभी सुना नहीं था ना देखा था। जो टीवी पे दिखाते हैं वो बहुत ही है, लेकिन अपना जो प्राइम मिनिस्टर है उसने दो दिन में उधर इतना मदद भेजा है, सबको कुछ ना कुछ मदद देना चाहिए। अभी जो डेथ का टोल है लगता है 40,000 के ऊपर जाएगा, ऐसा उनका प्रेडिक्शन है, तो बहुत बड़ा है। ऐसे अवेयरनेस कैसे करेंगे, क्या करेंगे? नहीं, यू हैव टू सेव द नेचर बेसिकली। और हाँ, तो जो भी है देखो, अपना थोड़ा सा साइंस भी डेवलप होना चाहिए। जैसा अपन को मालूम पड़ता है कि जो समुद्र में मछली आती है वो आती है, वो सुनामी आने वाली है तो किनारे पे आते हैं, ऐसा कुछ तो खोज निकलना चाहिए कि अर्थक्वेक है तो लोग पहले अपना घर खाली करें। ये किधर से भी न्यूज आनी चाहिए, इतना अपना साइंस डेवलप होना चाहिए और उसके ऊपर बहुत बड़ा काम चालू है। मैं नीला धारप बम्बई से आई हूँ, इधर उड़ीसा में आई हूँ, लेकिन इधर आते ही दूसरे ही दिन मुझे ये पता चला कि इधर तुर्की में बहुत बड़ा भूचाल हुआ है। और ये देख के भी हम लोग इतने डर गए, तो उन लोगों का क्या हाल हुआ होगा ये देख के। मानवता के बेस पे सब लोगों ने इमीडिएट उनको मदद भेजनी चाहिए, हर दूसरे के काम आना चाहिए मानव ने, यही मानवता है। नहीं तो हम लोग पृथ्वी पे रह के भी एक दूसरे के लिए कुछ नहीं करेंगे, खाली दूर से देखते रहेंगे तो क्या फ़ायदा है। जब खुद पे गुजरती है तो ही मालूम पड़ता है उसका कितना दुख है और कितना नुकसान है। सो प्लीज़ आप सब उनको हेल्प कीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। आई ऑलवेज फॉलो मिस्टर पटनायक्स sand culture and this time he has taken up a nice really the best part is Mr. Patnaik always does the his sand sculpture relating to the current events. Both of country के लिए, तुर्की और सीरिया दोनों country के लिए हम लोगों ने ये sand sculpture create किए हैं। उसके साथ ये appeal करते हैं कि join hands to save the अर्थक्वेक विक्टिम। इस समय हम सब लोग इकट्ठा होके खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम लोग आर्ट के थ्रू अराउंड द वर्ल्ड को अपील करते हैं कि एक साथ खड़ा हुए और बोथ ऑफ कंट्री को सपोर्ट कीजिए। इस समय हम सब लोग इकट्ठा होके बोथ ऑफ कंट्री को सपोर्ट करना चाहिए।